द कर्ल इन वेक्टर एनालिसिस। देखिए कर्ल क्या होता है, जैसे कि हमने 3 टाइप की मल्टीप्लिकेशन की थी। फर्स्ट टाइप की मल्टीप्लिकेशन में स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर की फॉर्म में आता है, तो इसका यूज ग्रेडियंट में किया जाता है। सेकेंड टाइप की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो स्केलर प्रोडक्ट होती है। जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर में आएगा या फिर डॉट प्रोडक्ट में आएगा, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो कि सेकंड टाइप का जो हमने वेक्टर एनालिसिस किया था डाइवर्जेंस, तो वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट बना। अब जो हमारा थर्ड टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है कि वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट में ही आता है। तो इसमें ये जो थर्ड टाइप की मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टाइप की सेकंड टाइप की हम कर चुके हैं ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, जो थर्ड टाइप का है वो कर्ल है। तो थर्ड टाइप की मल्टीप्लिकेशन में, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, जब एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वेक्टर से, जो रिजल्ट आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में आएगा, उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे और वो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो ये जो हमारा, इसको हम कर्ल में यूज करते हैं। जो वेक्टर ऑपरेटर होता है जिसे डेल से डिनोट किया जाता है, जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो ऑपरेट करता है एक पर्टिकुलर वेक्टर ए के साथ, यानी हम इसको लिखेंगे डेल क्रॉस ए। ठीक है, इस डेल क्रॉस ए जो इज इक्वल टू है, डेल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये तो हम कर चुके हैं ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं आई कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के कर्ल अपॉन कर्ल जेड क्रॉस ए। ए को कैसे लिखेंगे, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, इस तरह से ही हम इसे लिखते हैं ना। तो कर्ल क्रॉस कर्ल ए के लिए ये हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हम डायरेक्ट इक्वेशंस उठा ली हैं। तो अब देखिए कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आई क्रॉस आई है, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए हमने उसे नहीं लिखा। जे क्रॉस जे भी जीरो होगा और के क्रॉस के भी जीरो होगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके उसे नहीं लिखा, उसे ऑलरेडी जीरो कर दिया है। नेक्स्ट है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कर्ल ए वाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस आई क्रॉस के, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई को पहले जे से किया फिर के से कर रहे हैं, कर्ल ए जेड अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कर्ल ए एक्स अपॉन कर्ल वाई प्लस जे क्रॉस के, यानी कि जे क्रॉस के कर्ल ए जेड अपॉन ए कर्ल वाई। सेम ऐसे ही के क्रॉस आई कर लेंगे और के क्रॉस जे कर लेंगे, और के क्रॉस के तो जीरो ही होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम उसकी यूनिट देखते हैं तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो के होता है, जबकि i क्रॉस j इज इक्वल टू किसी थर्ड वेक्टर, यानी एक i वेक्टर j दूसरा वेक्टर, i क्रॉस j किसी थर्ड वेक्टर k के इक्वल होगा, j क्रॉस k i के इक्वल होगा, k क्रॉस i j के इक्वल होगा। इसके अलावा j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k के इक्वल होगा, k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i के इक्वल होगा, k i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j के इक्वल होगा। तो ये हम पहले कर चुके हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में कर चुके हैं और डॉट प्रोडक्ट में भी हम इनका डिफाइन कर चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आई है, एक इस इक्वेशन में डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के इक्वल है, तो हमने के पुट कर दिया। तो कर्ल ए वाई अपॉन कर्ल एक्स आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल है, तो हमने यहां माइनस जे पुट कर दिया। कर्ल ए जेड अपॉन ए एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस के इक्वल है, तो माइनस के पुट कर दिया। j क्रॉस k इज इक्वल टू है प्लस i के, तो प्लस i, और j क्रॉस k इज इक्वल टू है j क्रॉस के i के, और k क्रॉस i, k क्रॉस i इज इक्वल टू j के इक्वल है, और k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i के इक्वल है। तो ये हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे। जब इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो आएगा डेल क्रॉस ए, आई यानी कि आई, ये वाली आई और ये वाला आई, इन दोनों में से आई को कॉमन ले लिया, आई ए कर्ल ए जेड अपॉन कर्ल वाई माइनस ए वाई अपॉन माइनस कर्ल ए वाई अपॉन कर्ल जेड। अब जे को अलग कर लिया, प्लस जे कर्ल ए एक्स अपॉन कर्ल जेड माइनस कर्ल ए जेड अपॉन कर्ल एक्स। ऐसे ही के को सेपरेट कर लिया। के कर्ल ए वाई अपॉन कर्ल एक्स माइनस कर्ल ए एक्स अपॉन कर्ल वाई। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई है। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर हम इसे डिटर्मिनेट फॉर्म में लिखते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म में लिखें तो डेल क्रॉस ए क्या आएगा? डेल क्रॉस ए जो कि इज इक्वल टू आएगा आई जे के जो कि यूनिट वेक्टर है, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन कर्ल वाई, कर्ल अपॉन कर्ल जेड, यही आएगा ए एक्स ए वाई और ए जेड। ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। अब देखिए जो कर्ल या फिर कर्ल को जिसे की रोटेशन भी बोलते हैं, रोटेशन ऑफ वेक्टर, हमने वेक्टर फील्ड ए ली है। तो जो वेक्टर फंक्शन होगा स्पेस में जो ऑपरेट होगा उसमें जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो जो वेक्टर है डेल और ए है। तो ये जो ऑपरेशन है इसमें कर्ल या रोटेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन में तो ए को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए रोट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं आर ओ टी रोट रोटेशन ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि ये हमारा कर्ल होता है। कर्ल एक अल्टरनेटिव वे होता है जो प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा कर्ल में क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं कर्ल के, जो हमारा वेक्टर होता है, वेक्टर जो होगा वो नॉर्मल होगा सरफेस एस के, ठीक है। कर्ल में जो वेक्टर होगा वो नॉर्मल होगा सरफेस एस के और इक्वल होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर के। इसके जो बाउंड्री होगी सरफेस की वो डिवाइडेड होती है एरिया में सरफेस के उसके अकॉर्डिंग, उसके अक्रॉस। और इसका जो लिमिटिंग केस होगा उस कंडीशन में लिमिटिंग केस में जो सरफेस एरिया होता है उससे जीरो लिया जाता है। जैसे कि डेल क्रॉस ए ई, डेल क्रॉस ए ई जो इज इक्वल डेल क्रॉस ए ब्रैकेट क्लोज ई डेल क्रॉस ए डॉट ई जो इज इक्वल टू होगा जो लिमिटिंग एरिया होगा सरफेस का उसे क्या लिया जाएगा? जीरो। तो एस को लिया गया है जीरो। ये इंटीग्रल एल है, ठीक है ना, जो कि लाइन इंटीग्रल है वेक्टर का, इसके अकॉर्डिंग बाउंड्री के अक्रॉस, सरफेस की बाउंड्री के अक्रॉस, ठीक है। एल ए डॉट डी एस अपॉन एस और डी एल अपॉन एस, यही लिया गया है। तो इसमें डेल क्रॉस ए ई ये जो है हमारा सारा डेल क्रॉस ए ब्रैकेट ई ये जो है ये कंपोनेंट है कर्ल का, कर्ल ऑफ ए का जो नॉर्मल टू द सरफेस यानी एस के है। तो ये हमारा वेक्टर एनालिसिस होता है। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन और कर्ल की हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।